साउथ अफ्रीका ने T20 में ODI खेला तो अपने राहुल भाई ने T20 में टेस्ट खेल दिया। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। मुझको तो लग रहा था कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर जानबूझकर राहुल भाई को आउट नहीं कर रहे हैं। नौरकिया ने कैच छोड़ा, केशव महाराज ने इजी रन आउट छोड़ दिया, ये सब तो ठीक है, लेकिन अंपायर ने भी साउथ अफ्रीका का ही साथ दिया। जब जब राहुल भाई के पैड पर गेंद लग गई थी तो अंपायर ने आउट नहीं दिया, जबकि वो सारे कॉल्स एकदम नजदीकी थे। आउट दे देता तो स्काई तो एक तरफ से मार ही रहा था, दूसरी तरफ से पंत आ जाता और मैच खत्म ही हो जाता। समझ रहे हो ना। जैसे ही मैच चालू हुआ और पलक झपकते ही 5 विकेट आउट हो गए थे साउथ अफ्रीका के। अपने इंडियन बॉलर्स तो पावर प्ले में अच्छा करते ही हैं। इस बार तो भूबी भी नहीं थे तो हर्षदीप और चहर ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली। कल के मैच के बाद साउथ अफ्रीका को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी तो वो है ब्रेकफास्ट में अंडों की। साउथ अफ्रीका के बैटिंग के स्कोर कार्ड को देखकर हम इंडियन से भी ज्यादा कोई खुश इंसान होगा तो वो है शाहिद अफरीदी। और जो लोग भूबी को डेथ ओवर के लिए ब्लेम करते हैं, 19th ओवर के लिए ब्लेम करते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, दिक्कत भूबी के 19th ओवर में नहीं है, इंडिया के डेथ ओवर बॉलिंग में है। चाहे वो भूबी हो या हर्षल, सबका हाल एक ही होगा। वो कहते हैं ना, टाटा स्काई लगवा डाला तो साहिब झिंगा लाला, ऐसे ही स्काई को मैच खिला दिया तो झिंगा लाला। ऐसा लग रहा था कि सारे बैट्समैन कानपुर वाली पिच पे खेल रहे हैं और स्काई सीमेंट वाली पिच पे। चुमा टुकु टुकु खेलने नहीं आता। अगर देखा जाए तो पंत को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर DK टीम में खेल भी रहे होते हैं तो बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिलता है। कम्स इनटू बॉल द 19th ओवर, भूवी एंड बुमराह टू हिम बी लाइक, हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। नथिंग जस्ट मी एंड माई होमीज वॉचिंग KL बैटिंग, सेम यही हाल था हम लोगों का। हर्षदीप सिंह 19th ओवर हीरोइक्स। आफ्टर साउथ अफ्रीका बैटिंग, अरे नहीं भाई, मैं साउथ अफ्रीका कोच नहीं हूँ। तो ऐसे ही रहता कि साउथ अफ्रीका का कोच शाहिद अफरीदी है। अच्छा। When South Africa 5 wickets down, RCB रिकॉर्ड संकट में है। अभी कोई टीम लो स्कोर पर आउट होती है तो RCB का मीम्स आना जरूरी ही रहता है। आकाश चोपड़ा डिड नॉट प्रेडिक्ट इंडिया टू विन, रीजा प्लस मार्करम 50+ रन्स, रीजा तो खेला ही नहीं। अक्षर प्लस बुमराह 3+ विकेट, बुमराह खेला नहीं और अक्षर ने सिर्फ 1 विकेट लिया। रावाडा प्लस नौरकिया 3+ विकेट, इंडियन टीम की बस 2 ही विकेट गिरी। साउथ अफ्रीका टू विन द मैच, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। लीजेंड आकाश चोपड़ा, आप ऐसे ही प्रेडिक्ट करते रहिए, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, बस आप इंडिया के लिए प्रेडिक्ट मत कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।